गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संगत जी, चलिए हम अपने माँ ग्रंथ को कंटिन्यू करते हैं और आज का अपना शीर्षक है हुजूर साहब की गहन ध्यान साधना। प्यारी सत्संगत जी, संत तो पहले से ही करने के धनी होते हैं, पर हम जैसे अज्ञानी जीवों को साक्षात्कार देकर हमारा भक्ति में विश्वास जगाने के लिए वे इस धरा पर पुनः करनी और अभ्यास करके दिखाते हैं। संत मत में बड़े महाराज जी उन चुनिंदा संतों में से हैं जो अपनी कठोर साधना और अभ्यास के लिए जाने गए। बड़े महाराज जी जब एक बार भजन अभ्यास में बैठ जाते थे तो तीन तीन दिनों तक समाधि की अवस्था में रहते थे। ऐसी महान करनी को आज के अधम जगत में दोहराने का सामर्थ्य या तो केवल उनमें स्वयं था या फिर उनका ही अंशी ऐसे करने कर सकता था। उनके सूरत शब्द योग के रूहानी मिशन को संगत के आगे सिद्ध करके दिखाने के लिए उन्होंने अपने अंशी, अपने जानसीन, अपने मुरीद और अपने गुरुमुख शिष्य मास्टर कंवर जी को यह दायित्व सौंपा। हुजूर साहब ने बड़े महाराज जी से 1978 में बसंत पंचमी के दिन नामदान लेकर अपनी अटूट और अथाह आध्यात्मिक साधना का अनुक्रम शुरू किया। हुजूर साहब को बड़े महाराज जी की प्रेरणादायक जीवनी ने उनके भजन अभ्यास में अपनी लगन और समय बिताने में हर पल प्रेरित किया। शुरुआत में हुजूर साहब घंटे भर या दो घंटे भर ही बैठ पाते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी भजन में बैठने की लगन बढ़ती चली गई। आश्रम में गुरु महाराज जी की शरण में आकर मात्र 5 साल में उन्होंने भजन सिमरण में अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि वे अब पूरी पूरी रात भजन समाधि में लीन रहने लगे। यहाँ पर हुजूर साहब का पूरी रात बिताना केवल एक शाब्दिक रूपक में उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि हुजूर साहब वास्तव में रात को सोने के बजाय रात भर ध्यान में बैठे रहते थे। हुजूर साहब आश्रम में अपनी सभी सेवा की जिम्मेदारियों से लगभग रात 9 से 9:30 बजे तक मुक्त हो जाते थे। इसके पश्चात वे अपने कमरे में जाकर उकड़ू आसन लगाकर सारी रात उसी आसन में भजन समाधि में लीन रहते थे। जैसे ही सुबह के 2:30 बजते वे अपने आसन से उठते और सीधे अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए चूल्हे पर पानी गर्म करने की सेवा में जुट जाते। हुजूर साहब के साथ उन दिनों आश्रम में सेवा करने वाले उनके सहवासी और प्रिय गुरु भाई मदन जी बड़ी भावुकता के साथ हुजूर साहब के उन दिनों के दैनिक रात्रि क्रम को हमारे साथ साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हुजूर साहब की भजन समाधि के प्रति प्रतिबद्धता अविश्वसनीय और अद्भुत थी, जो उस समय भी सभी अन्य शिष्यों से अनुपम और असामान्य थी। भाई मदन जी बताते हैं कि गौशाला के सेवादार होने के कारण उन्हें सभी सेवादारों को सोने से पहले दूध के गिलास का वितरण करना पड़ता था। वे रोजाना रात को हुजूर साहब के लिए भी दूध का गिलास लेकर जाते थे। अगर किसी कारणवश वे 9:30 बजे के बाद हुजूर साहब के कमरे में पहुंचते थे तो वे हमेशा हुजूर साहब को भजन में लीन पाते थे। वे बताते हैं कि हुजूर साहब ने अपने भजन अभ्यास में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि वे कुछ ही मिनटों में अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा लेते थे और एक उच्च साधना अवस्था में पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि राधा स्वामी की आवाज से उन्हें जगाने का प्रयास करने पर भी हुजूर साहब अपनी समाधि अवस्था में यथावत बने रहते थे। एक बार ध्यान में बैठ जाने के बाद हुजूर साहब इतने अंतर्मुखी हो जाते थे कि वे आसपास के शोर शराबे से पूरी तरह अछूते रहते थे। आज के इस आधुनिक युग में जहां काल की शक्तियां प्रबल है, मन का विक्षेप चरम सीमा पर है और इंसान का आत्मिक बल असक्त और क्षीण हो चुका है, वहां हुजूर साहब का गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी प्रति रात 6 से 7 घंटे अनवरत समाधि अवस्था में रहना इस युग की उत्कृष्ट करने का एक उदाहरण है।
इससे पहले कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि पूर्वी सदियों के संत और यहाँ तक कि बड़े महाराज जी भी पूरा दिन भजन सिमरण में बिताते थे, तो हुजूर साहब की करनी को इस युग की सर्वश्रेष्ठ करनी क्यों माना जाता है? प्रथमतः और मुख्य रूप से हुजूर साहब की उदारता को खुद बड़े महाराज जी ने स्थापित किया है, जिन्होंने विभिन्न सत्संगों के माध्यम से बार बार हुजूर साहब को वर्तमान समय के सबसे महान संत के रूप में घोषित किया। उन्होंने इस दावे को और भी आगे बढ़ाते हुए हुजूर साहब को उनसे हजार गुना अधिक शक्तिशाली घोषित किया। बाकी यदि कोई भी हुजूर साहब की बतौर शिष्य की गई भक्ति और उनकी जीवन शैली पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाले तो उसे ये सभी वंदनाएं हुजूर साहब की करनी के सामने अत्यंत सूक्ष्म और न्यूनतम लगेगी। हुजूर साहब दिन की शुरुआत में ही सर्वप्रथम एक पहर ब्रह्म मुहूर्त में गुरु की निजी सेवा में बिताते थे। सूर्योदय होते ही वे अपने स्कूल के लिए निकल जाते थे और दिन भर बच्चों को पढ़ाकर अपने व्यावसायिक दायित्व का निर्वाह करते थे। जो भी वेतन उन्हें इस नौकरी से मिलता उसे दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा अपने गुरु को धन की सेवा के रूप में समर्पित करते और दूसरा हिस्सा अपने परिवार की देखभाल में लगा देते थे। स्कूल से तुरंत वापस आकर बड़े महाराज जी के प्रमुख सेवक का दायित्व निभाते हुए उन्हें दूर दराज के गांव में सत्संग के लिए ले जाते और सत्संग आयोजन की देखरेख करते। सारा दोपहर और शाम को बड़े महाराज जी के साथ बिताने के बाद जब रात का समय आता तो हुजूर साहब उस समय को भी अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि अपने गुरु द्वारा दिखाए गए सूरत शब्द की सेवा में अर्पित कर देते। गुरु नानक साहब और अनेक संतों ने दसवंध यानी अपनी कमाई का समय का दसवां हिस्सा परमात्मा को समर्पित करने की शिक्षा दी थी, लेकिन हुजूर साहब ने तो अपना 100% समय और जीवन अपने गुरु के नाम समर्पित कर दिया था। पूर्व महापुरुषों का एक सामान्य आचरण था कि वे समाज और घर के भार से अलग होकर दूरस्थ किसी एकांत स्थान की खोज कर अपने पूरे समय को भक्ति में समर्पित करते थे, जिससे कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी उनकी भक्ति में बाधा न डाल सके। स्वामी जी महाराज जो कि राधा स्वामी पंथ के संस्थापक है, उन्होंने इस भक्ति की धारा को अपने उपदेशों के माध्यम से पूरी तरह बदल दिया। उनके निर्देश निम्नलिखित तीन मुख्य सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। प्रथम, बिना गृहस्थ को त्यागे सबसे पहले अपने सभी कर्तव्यों और परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करो। दूसरा, अपना समय और मन गुरु भक्ति और गुरु सेवा में लगाओ। तीसरा, सूरत शब्द योग का अभ्यास करो। ये तीन निर्देश स्वामी जी महाराज के सभी उपदेशों को संक्षेप में समाहित करते हैं। अब हम जब हुजूर साहब के शिष्य जीवन की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि उनका प्रत्येक दिन इन तीन सिद्धांतों का प्रतिबिंब था। उन्होंने अपने 20 साल की सेवकाई में नित प्रतिदिन केवल और केवल इन तीनों उपदेशों का ही तो पालन करके हमें दर्शाया है। पहला, वे अपने गृहस्थ जीवन के पालन पोषण के लिए दिन के 8 घंटे नौकरी करते थे। दूसरा, वे लगभग 9 घंटे गुरु की निजी सेवा में बिताते थे और तीसरा, बाकी बचे हुए 5 से 6 घंटे वे ध्यान साधना में बिताते थे। उनकी दिनचर्या स्पष्ट दर्शाती है कि वे स्वामी जी महाराज के उपदेशों के एक जीवंत अवतार थे। वे संत मत के इतिहास में स्वामी जी महाराज के उपदेशों के सर्वोच्च और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस साम्य और विशेष समानता के कारण ही तो बड़े महाराज जी ने इस लोक से विदाई लेने से पहले अपने सत्संग में यह घोषणा बड़ी दृढ़ता से की, तुम मास्टर को समझे नहीं, स्वामी जी और मेरे मास्टर में कोई भेद नहीं है। प्यारे साध संग जी, हुजूर साहब के साथ रहने वाले अन्य सेवक भी हुजूर साहब की साधना की उत्कटता के बारे में अनेक कथन और गुणगान करते हुए कभी नहीं थकते। जैसे भाई सतबीर जी, जो उस समय सेकेंडरी स्कूल के छात्र थे और हुजूर साहब जी के पड़ोसी कमरे में रहा करते थे,
बताते हैं कि हुजूर साहब जी जब भजन समाधि में लीन हो जाते थे तो उनकी और बड़े महाराज जी की अवस्था में फर्क करना असंभव हो जाता था। भाई सतबीर जी सन 1983 में 10वीं कक्षा में थे और उन दिनों हुजूर साहब के बगल वाले कमरे में उन्हें रहने और उनका अनमोल संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उन दिनों की अनमोल स्मृतियों को याद करते हुए बताते हैं कि हुजूर साहब रोजाना रात को लगभग 1 घंटा बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा करते थे और 8:30 बजे तक अपने कमरे में आ जाते थे। उसके बाद हुजूर साहब अपनी साहित्य निर्माण की सेवा में जुट जाते थे, जैसे कि बड़े महाराज जी के सत्संग पर किताब लिखना या शब्द रचना करना। भाई सतबीर जी उस समय उनके कमरे में जाकर अपने स्कूल के पढ़ाई का कार्य उनके सानिध्य में करते थे। हुजूर साहब अपनी सेवा के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करते थे, परंतु जैसे ही रात के 9:30 बजते हुजूर साहब भाई सतबीर जी को अपने कमरे में वापस जाने को कह देते थे। भाई सतबीर जी के जाने के बाद हुजूर साहब भजन अभ्यास में बैठ जाया करते थे। भाई सतबीर जी बताते हैं कि उनकी परीक्षाओं के समय वे अक्सर देर रात तक लगभग 12 से 1 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। इस दौरान जब भी वे हुजूर साहब के कमरे में झांकते, उन्हें हुजूर साहब हमेशा भजन समाधि में ही बैठे पाते थे। उस अवस्था में हुजूर साहब को यह भी पता नहीं चलता था कि कोई उनके कमरे में आ गया है। भाई सतबीर जी यह भी बताते हैं कि जब हुजूर महाराज जी ध्यान में बैठते थे तो उनकी सांस की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती थी कि वे उनके पास जाकर कान लगाने पर भी उनकी सांसों की आवाज नहीं सुन सकते थे। हुजूर साहब को इस अवस्था में देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि ऐसी समाधि की अवस्था में पूरे आश्रम में केवल बड़े महाराज जी ही जाया करते थे। उन दिनों की हुजूर साहब की एक और विशेष बात के बारे में भाई सतबीर जी हमसे साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हुजूर साहब ने उनको अपनी समाधि से जगाने की खास ड्यूटी सौंपी थी। हुजूर साहब ने निर्देश दिए थे कि यदि वे 3 बजे तक अपने कमरे से ना निकले तो भाई सतबीर उन्हें जगा दें। भाई सतबीर जी के अनुसार अनेक बार हुजूर साहब 3 बजे के बाद भी अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते थे और उन्हें हुजूर साहब को उनके भजन के आसन से जगाना पड़ता था। भाई सतबीर जी बताते हैं कि हुजूर साहब जब ध्यान समाधि से बाहर आते तो लगातार 5 से 6 घंटे उकड़ू बैठने के कारण उनके पैर सुन पड़ जाते थे और वे स्वयं उठकर खड़े नहीं हो पाते थे। इसके बाद भाई सतबीर जी और मदन जी हुजूर साहब के पैरों की मालिश करते और उनकी पिंडलियों की मांसपेशियों को जोर जोर से दबाते थे ताकि उनके पैरों में रक्त संचार तेजी से हो और हुजूर साहब अपने पैरों पर खड़े हो पाए। हुजूर साहब द्वारा की गई कठोर साधना के प्रत्यक्ष साक्षी बड़े महाराज जी भी कई बार बने। उनके द्वारा दर्शाई योग मार्ग को जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अद्वितीय जुनून के साथ अनुरूपित करते देखा तो वे भी अपने मास्टर से इतने विमोहित हुए कि कबीर साहब द्वारा फरमाई बाणी माला फेरू न हरि भजूं और मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। हुजूर साहब और बड़े महाराज जी के साथ वास्तविकता में साकार हो गई। प्यारी साध संगत जी, हुजूर साहब को इस प्रकार अटल परिश्रम और अथक अभ्यास में रोजाना बैठते देख बड़े महाराज जी को उनकी चिंता होने लगी। एक बार की बात है, आश्रम में एक रात बिजली नहीं थी और उस रात भीषण गर्मी पड़ रही थी। बड़े महाराज जी को गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी और वे अनेक प्रयासों के बाद भी सो नहीं पा रहे थे। रात के 12 बज गए थे और बड़े महाराज जी को गर्मी के कारण घबराहट महसूस होने लगी, तो उन्होंने बिस्तर से उठकर आश्रम में एक चक्कर लगाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा गर्मी का समय है, इस बहाने एक बार सभी सेवादारों को संभाल भी आऊंगा। बड़े महाराज जी ने टॉर्च लेकर सभी कमरों के बाहर जाकर देखा, हर कोई सो रहा था सिवाय हुजूर महाराज जी के, जो अपने कमरे में भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ उकड़ू आसन में ध्यान में बैठे थे।
इस दृश्य को देखकर बड़े महाराज जी हैरान रह गए और उन्होंने कहा, मास्टर तो कमाल का आदमी है। फिर वे अपने कमरे में वापस आ गए और कुछ घंटे के लिए खुद ध्यान में बैठ गए। जब सुबह के 3 बज गए और उनका स्नान करने का समय हुआ तो बड़े महाराज जी ने सोचा, एक बार नहाने से पहले फिर मास्टर को देख आता हूँ। कमरे में पहुंचकर बड़े महाराज जी एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि हुजूर जी अब भी उसी आसन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। अपने अति प्रिय शिष्य को अपने तन को इस प्रकार तपाते हुए देखकर बड़े महाराज जी का दिल पिघल गया और वे भावुक हो गए। सुबह 4 बजे जब हुजूर साहब चाय लेकर आए तो बड़े महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाए और बड़े भावपूर्ण होकर उन्होंने हुजूर साहब को नसीहत दी, मास्टर तू इतना भजन में मत बैठा कर, तुझे घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए और आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए इतनी कमाई कर ली है कि न तुझको और न ही आगे आने वाली पीढ़ी को किसी को भी भजन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुरु से इतने महत्वपूर्ण आश्वासन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी हुजूर साहब ने अपने साधना अभ्यास में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। वे तब भी उसी गंभीरता और तत्परता से अपनी साधना में लीन रहे और कभी भी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखाई। हुजूर साहब को तो मानो एक कुशल खोजी की तरह एक धुन सवार थी, जो अपने अंतर्मन के अनसुलझे और अज्ञात गहराइयों में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए आतुर थी। हुजूर साहब अपने गुरु के उपदेशों को व्यवहारिक रूप से साकार करके देखने के लिए अटूट प्रेरणा से युक्त थे। कुछ सालों बाद इसी तरह की अनुकरणीय घटना फिर से हुई, जिससे बड़े महाराज जी को हुजूर साहब के प्रति चिंता और गहरी हो गई। इसके बाद बड़े महाराज जी की यह ही मनसा रहती थी कि हुजूर साहब ध्यान अभ्यास को छोटे अवधि तक ही सीमित करें। कुछ वर्षों बाद एक समान घटना अनुसार एक दिन बड़े महाराज जी को सत्संग के लिए सुबह जल्दी निकलना था। उन्होंने देखा कि हुजूर साहब के स्थान पर उनके स्नान के लिए गर्म पानी भाई मदन जी लाए हैं। इस पर उन्होंने भाई मदन जी से पूछा, आज मास्टर जगा नहीं क्या? भाई मदन जी ने हुजूर साहब के कमरे में जाकर देखा और पाया कि हुजूर साहब एक मूर्ति की तरह ध्यान में लीन थे। उन्होंने वापस आकर बताया, महाराज जी वे तो भजन में बैठे हैं। इसके बाद बड़े महाराज जी नहाने चले गए। नहाने के बाद जब वे वापस कमरे में आए तो देखा कि सुबह की चाय भी भाई मदन ला रहे हैं। उन्होंने फिर भाई मदन को हुजूर साहब को जगा कर लाने के लिए कहा, परंतु इस बार भी भाई मदन ने हुजूर साहब को उसी मुद्रा में पाया। तब बड़े महाराज जी ने कहा, चलो मैं थोड़ी देर खेतों में जाकर आता हूँ, तुम इतने में मास्टर को जगा कर कह देना कि वे बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद जब बड़े महाराज जी खेतों से लौट कर आ गए और सुबह 6 बजे बाहर जाने के लिए तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हुजूर साहब अभी भी नीचे नहीं आए हैं। अब बड़े महाराज जी ने थोड़े गुस्से में भाई मदन जी से पूछा, मास्टर कहाँ है? मदन जी ने बताया, मास्टर जी अभी भी भजन में बैठे हैं, मैंने कई बार उन्हें आवाज देकर जगाने की कोशिश की पर वे उठे ही नहीं। यह सुनकर बड़े महाराज जी तुरंत हुजूर साहब के कमरे की ओर बढ़े और कमरे के बाहर पहुंचकर जोर से उन्हें आवाज दी, मास्टर। बड़े महाराज जी की आवाज सुनते ही हुजूर साहब ने एकदम से चौंक कर अपनी आंखें खोली। अपने सामने अपने सतगुरु को खड़ा देखकर हुजूर साहब ने तुरंत बड़े महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और काफी देर तक भावुक होकर उनके चरणों के पास ही लेटे रहे। बड़े महाराज जी ने उनसे पूछा, अरे मास्टर क्या हुआ, इतनी देर तक क्यों बैठा हुआ था? हुजूर साहब ने फिर बड़े महाराज जी के साथ अपना अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि भाई मदन जी की पुकार उन्होंने काफी देर पहले ही सुन ली थी और तब से वे भजन समाधि से उठने का प्रयास कर रहे थे पर उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया
कि वे कई घंटों से अपनी आंखें खोलने का प्रयत्न कर रहे थे, पर वे खुद को असहाय और अनियंत्रित महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर और मन दो अलग चीजें हों, और उनका शरीर उनकी बात नहीं मान रहा था। उनके इस अनुभव को सुनकर बड़े महाराज जी एक चिंतित पिता की तरह भावुक हो गए और हुजूर साहब पर झुंझलाते हुए कहा, इसलिए तो मैं तुझसे कहता था कि ज्यादा देर भजन में मत बैठा कर। तुझे क्या जरूरत है इतनी देर तक बैठने की? भजन में बैठने से सूरत ऊपर जाती है, तेरा इतनी देर तक सूरत को ऊपर रखना सही नहीं है। मुझे तुझसे अभी बहुत सारे काम करवाने हैं। प्यारी साध संगत जी, शायद ही इतिहास में दोबारा ऐसा अद्वितीय गुरुमुख अवतरित हो जिसने अपने गुरु की शिक्षाओं में इतनी गहनता से तल्लीनता प्राप्त की हो कि स्वयं गुरु को उन्हें संयमित साधना करने और सामान्य शिष्यों की भांति जीवन यापन करने की सलाह देनी पड़ी हो। आज के इस कलयुग में जहां गुरु अपने शिष्यों को उनके उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने हेतु अनगिनत प्रयासों से प्रेरित करते हैं, हुजूर साहब में गुरुमुखता के असाधारण गुणों की ऐसी अपार विपुलता थी कि उन्हें गुरु को स्वयं उनसे अनुरोध करना पड़ा कि वे सत्संग को इतनी तीव्रता से ग्रहण न करें। बड़े महाराज जी को अपने इस गुरुमुख शिष्य की करनी पर अत्यधिक गर्व था और उन्होंने सत्संगों में प्रशंसाओं के माध्यम से अपने इस गर्व को अनेकों बार व्यक्त किया। प्यारे साध संगत जी, बड़े महाराज जी कहते हैं, मेरा मास्टर मेरे से हजार गुना ज्यादा ताकतवर है, मैं मास्टर को अपने आप से अच्छा मानता हूँ। प्यारी साध संगत जी, वीडियो काफी लंबी हो गई है, कल फिर यहीं से हम अपने महाग्रंथ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।